रहेंगे। अरे गटाई सहारा ठीक तो का हुआ, थोड़ा बहुत गा दो ना। अरे भाई हो काटे का तो अब ही गा दिया ना वीडियो आज का दिन। जन सेवा केंद्र। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, दिल से प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं गई थी बिहार और पाई थी कुछ प्रसाद, मम्मी ने दिया था, संदीप की मम्मी ने, और यहाँ सबको दे दिया है। अब जा रहे हैं अपने सासू माँ को देने, नानी के घर, वो नानी के घर में है। और दोस्तों बिहार में आप लोगों को वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ नेट बिल्कुल भी नहीं चलता था। आप लोग देखे होंगे नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। और कैसे क्या बताऊँ कि बिहार में बहुत ही प्यारा लगा, पता है, प्यार एक दूसरे को लोग मानते बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बिहार में जाके बिहार का लोकेशन देखा और बिहार के लोग कैसे हैं, मैं दिल अच्छा था। लोग बोलते हैं कि वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, पर वहाँ पे गए हम लोग तो बाढ़ नहीं आई। हाँ, और वहाँ प्यार बहुत ज़्यादा मिला। मैं पता है वहाँ गई तो एक चीज़ तो मुझे देखने को भी मिली, सुनने को, कि लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा वहाँ रहता। और आप लोग बिहार से हैं तो बताइएगा दोस्तों मैं सही बोल रही हूँ कि झूठ। और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। एयरटेल का चलता था, जियो का हम हमारे एयरटेल का भी नहीं चलता था। हाँ वो भी सही से नहीं चलता था, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत थी। तो दोस्तों मोतिहारी जिला गए थे और मैं बिहार से लौट के आई। आप लोग किसी ने कमेंट भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि मैं बिहार में हूँ। मैं आप लोग मेरे से मिलने आते नहीं, मैं भी सभी से मिलती, ऐसा नहीं दोस्तों। फिर भी आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के माध्यम से संदीप मुझे बिहार ले गया और बिहार मुझे बहुत ही प्यारा लगा दोस्तों। बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं अपनी नानी के घर मम्मी से मिलाने और दिखाते हैं चल के दोस्तों। धान वान ये हाथ में क्या लिए हो? मैं एक म्यूजिक आप लोगों के लिए वीडियो शूट, एक छोटा सा सॉन्ग सुना दो आप लोगों के लिए। वीडियो शूट करूंगी तो कैसे म्यूजिक मुझे मिलेगी? म्यूजिक नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं आएगा। आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि आज भाभी जी अच्छा नहीं बनाए वीडियो। दोस्तों चलते हैं नानी के गाँव की तरफ। दोस्तों चलते हैं कहाँ पे? और एक बात बताना भूल ही गई, ये साड़ी जो हम पहने संदीप की दीदी ने दिया, मतलब बहन ने मेरी दिया है। और कैसी लग रही बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। प्यारी लग रही। दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं खेत पर और ये मंजू आई थी कुसी काटने के लिए मामा के यहाँ। मामा के यहाँ घर से 5 किलोमीटर दूर कुसी काटने आए थे। क्यों मंजू? मंजू आई थी, मंजू गुस्सा हो गई। काहे गुस्सा हो, काहे गुस्सा? 5 किलोमीटर घर से दोस्तों, वहाँ घर से 5 किलोमीटर दूर पे कुसी काटने आए थे। ये लगी हुई है कुसी, वहाँ से वहाँ तक कुसी लगी हुई है। और खेत भी देखने आए थे मामा के। कौन सा खेत तुम्हारा मंजू? ये वाला। कौन सा? ये वाला मम्मी का है। और बताइए दोस्तों को अपने कैसे हैं दोस्तों? हाँ। देखिए हमारे धान काटने वाले हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों। हाथिया बात जाए मेरा, ये तो होएगा काटे वाला। हमारी अम्मा पिल गई खेत में। अम्मा होएगा तो है काटे वाला। अरे ठीक है, काट डर होएगा कौन दिन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है धान हमारे, और इसमें सब लग गया है, पता नहीं क्या लगा है, हम लोगों को तो पता नहीं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे खेत में यही लगा हुआ है क्यों? दोस्तों हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की, फिर भी ये रोग लगा है कोई। धान तो काटने वाले हो गए, पक गए दोस्तों, बताना काटने वाले हो गए तो हम लोग काटें। और आप लोगों के भी काटने वाले धान हो गए दोस्तों, जल्दी से मेहनत करके काट डालिए खेतों को और नाच पानी अपने घर को ले जाइए। और जल्दी जल्दी से चावल बना के खा लीजिए। हाँ, आप लोग जल्दी से चावल बना के खाइए। ये भाई खेत है साथ, आप लोग देखे होंगे हम लोग वीडियो बना के डाले हैं। और बिहार में तो हमने ये देखा है कि जब धान कटते हैं तो लोग दरा के रख लेते हैं धान, तो एक साल हमेशा दरा के उसी को कीड़े पड़ जाते हैं। हम लोगों के यहाँ कीड़े भी पड़ जाते हैं और जितना दरात देखिए बताइएगा हम लोगों की मेहनत कैसी है। हाँ ये देखो इनके कितना धान है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, हम लोगों की मेहनत बताना दोस्तों ये कैसी है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। ये 4 फुट से कम नहीं होगा धान, 4
चार साढ़े चार तो दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।